जिलाधिकारी वंदना सिंह ने साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान भीमताल और भवाली क्षेत्र में निर्माण कार्य लाभार्थी परक विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है, जिसमें जिलाधिकारी ने मुख्य रूप से भवाली सेनेटोरियम के समीप जल स्रोतों का निरीक्षण किया और पंप हाउस निर्माणाधीन रोडवेज स्टेशन की पार्किंग का भी निरीक्षण किया। इसके बाद विकास भवन भीमताल में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर उन्होंने जनसमस्याओं का निस्तारण किया है। भवाली कोतवाली के समीप करीब 1.5 साल से जल संस्थान के खराब पड़े पंप हाउस का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। जल संस्थान के अधिकारियों को पंप को सुचारू करने के लिए किसी भी हाइड्रोलॉजी विषय विशेषज्ञ से सर्वे करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद जनप्रतिनिधि के साथ भीमताल में समस्याओं के संबंध में बैठक की है। जनप्रतिनिधियों ने अवगत करवाया कि पीक सीजन के साथ ही आम दिनों में शहर में जाम की समस्या बनी रहती है। जिलाधिकारी ने शहर में भूमि की उपलब्धता के आधार पर पार्किंग के निर्माण की बात कही और इसके साथ ही उन्होंने 15 दिनों के भीतर जीआईएस मैपिंग कराए जाने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली का आज हमने विभिन्न विकास परियोजनाओं का एक इंस्पेक्शन रखा था विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के साथ। उसमें जो भवाली की वाटर सप्लाई स्कीम है, जल निगम उसको बना रहा है, वो काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन अभी तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए जो प्राचीन स्रोत हैं, गधेरे वगैरह हैं, जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा लीन पीरियड में भी उपलब्ध रहती है, उसको सर्वे करते हुए उसको एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उसका प्रस्ताव जल निगम बनाएगा और नगर पालिका जो है उसमें धनराशि रिलीज करेगी। इसके अलावा जो यहाँ पर निर्माणाधीन पार्किंग चल रही है और परिवहन विभाग की भी जो बस स्टैंड की का कार्य चल रहा है, उसका भी निरीक्षण किया है। वो जो भी संबंधित कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको समय से इस कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।